हाय गाइस, दिस इज रितेश। वेलकम बैक ऑन आरके पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूरज अवार्ड। सूरज अवार्ड दिया जाएगा उड़ीसा सरकार के लिए, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन को प्रोत्साहन करने के लिए। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा सूरज अवार्ड कौन से स्टेट का है, तो आपको बोलना है उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है ई गन्ना ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और अगर गवर्नर पूछेगा तो बोलना है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 का आयोजन किया गया पंजाब में, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट है शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर आपसे पूछेगा कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो आपको बोलना है आसाम का। आसाम का कैपिटल है दिसपुर। कई बच्चों को लगता है कि आसाम का कैपिटल गुवाहाटी है, बट गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है, ठीक है। असम सरकार अभी लॉन्च की थी टू चाइल्ड पॉलिसी स्कीम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ खोला गया, तो भावनगर गुजरात में, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया है एयर फेस्ट 2019 कहाँ पे किया, तो नागपुर में। तो आपसे पूछा जाएगा एयर फेस्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको बताना नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है गाइस। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव सिंह ठाकरे। उसके बाद है राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुलाब कोठारी को। गुलाब कोठारी जो है राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हेल्थ एटीएम अभी इस्टेब्लिश किया गया चारबाग रेलवे स्टेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। आपको नेक्स्ट चक्रवात से, जैसे चक्रवात बुलबुल का नाम किसने सुझाया, तो आपको बताना है पाकिस्तान। उसी तरह कुछ और है, ये सारे चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में आए हैं, जैसे फानी बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था, नाम था वायु इंडिया के द्वारा नाम सुझाया गया है। उसके बाद है हिक्का आपको मालदीव्स, कयार म्यांमार, महा ओमान, ठीक है। तो ये सब नाम सुझाया गया इन कंट्री के द्वारा, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपसे SRSS-1 पहला उपग्रह ये है किसका है, तो ये सूडान का है। सूडान का कैपिटल खार्तूम है। एक होता है नॉर्थ सूडान का कैपिटल है जुबा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सूडान के अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब्दुल्ला हमदोक, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट का नाम बताइए, जैसे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है आदित्य मिश्रा बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद गूगल ने लॉन्च किया बोलो फॉर चिल्ड्रन टू रीड हिंदी और इंग्लिश, तो आपसे पूछ लिया जाएगा बोलो इनिशिएटिव किसका है, तो बताना है गूगल। उसके बाद गोल इनिशिएटिव किसका है, तो बताना है फेसबुक। इसमें क्या होगा, इस इनिशिएटिव में 5000 जनजातीय बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अभी 27 अभी पूछा जाएगा आपसे कि गूगल का 21 बर्थडे मनाया गया 27 सितंबर 2019 को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद गूगल का फाउंडर पूछेगा, तो बताना है सर्जरी ब्रिन और लैरी पेज। कुछ और करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2019 जैसे भी अवार्ड किसे दिया गया, तो दिया गया द फार फील्ड के लिए माधुरी विजय को, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सेहल वर्ग जेवड़े, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, और इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी अहमद अली, जिनको अभी मिला है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, और किस लिए मिला है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है रग्बी वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता, तो साउथ अफ्रीका ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और अगर आपसे पूछा जाएगा रग्बी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हुआ है, तो आपको बताना है जापान में, ठीक है, जापान का कैपिटल है टोक्यो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उसके बाद है डस्ट लीग 2019 युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद, ठीक है। उसके बाद है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, एक बुक किनके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना शशि थरूर जी द्वारा। शशि थरूर जी के द्वारा बहुत सारे बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है वाई आई एम हिंदू, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 28वां व्यास सम्मान 2018 किसको दिया गया, तो लीला दा जगोड़ी को दिया हुआ है। किस लिए दिया गया है, तो आपसे बताना है जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करंट अफेयर्स डिस्कस किए, आप देख लिए होंगे एकदम मिक्सअप है, ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है आपके लिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस। कोई डाउट होता है किसी तरह का कमेंट जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।